નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ઉન્નતિ ત્રિવેદી, પાયોનિયર પ્રાઇમરી સ્કૂલ, કોલ્હાપુર, પાટણ. ધોરણ 6, વિષય હિન્દી. બાળ મિત્રો, આગળના વિડિયોમાં આપણે સર્વનામ વિશેનો અભ્યાસ કરી ગયા. હવે આજે આપણે વિશેષણ વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. સરળ શબ્દોમાં સમજાવું તો વિશેષણ એટલે શું? તો કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુનું નામ જે છે એની વિશેષતા દર્શાવે છે, એ વિશેષતા દર્શાવતા શબ્દને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે હિન્દીમાં તેનો પરિચય મેળવીશું. તો સૌ પ્રથમ વિશેષણની પરિભાષા. પરિભાષા એટલે કે ડેફિનેશન અથવા તો તેની વ્યાખ્યા. જો શબ્દ કિસી સંજ્ઞા યા સર્વનામ કી વિશેષતા બતાતા હૈ उसे विशेषण कहते हैं. फिर से, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं. अर्थात जो शब्द गुण, दोष, पाप, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं. अर्थात जो शब्द गुण, दोष, पाप, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं. जैसे बड़ा, लंबा, काला, भारी, सुंदर, अच्छा, बुरा, कायर, टेढ़ा आदि शब्द जो है वह विशेषता दर्शक शब्द है, यानी कि विशेषण है. अब हम उदाहरण से समझेंगे. साहिल अच्छा लड़का है. यहाँ पर अच्छा शब्द जो है वह विशेषण है, क्योंकि साहिल शब्द जो है वह संज्ञा है और लड़का शब्द जो है वह भी संज्ञा है. और अच्छा शब्द जो है वह साहिल और लड़का दोनों शब्दों की विशेषता बताता है, इसलिए अच्छा शब्द जो है वह विशेषण है. सरलता से मैं आपको समझाऊं तो यदि कोई भी वाक्य लिखा हुआ है उसके बारे में हम कोई प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न में कैसा, कितने, उस शब्द का उपयोग करके जो प्रश्न पूछेंगे और उसका जो उत्तर हमें मिलेगा वही विशेषण है. यहाँ पहले वाक्य में हम ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, साहिल कैसा लड़का है, तो उसके उत्तर में हमें उत्तर मिलेगा अच्छा. तो अच्छा शब्द जो है वही साहिल का विशेषण बन जाता है. दूसरे वाक्य में ये महंगे पटाखे हैं, इसके बारे में हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ये कैसे पटाखे हैं, तो उसका उत्तर हमें मिलेगा महंगे. तो महंगे शब्द जो है वह विशेषता है, यानी कि विशेषण है. ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है. प्रश्न पूछेंगे ग्वाले के हाथ में कैसी लाठी है, तो उसका उत्तर मिलेगा लंबी. तो लंबी शब्द जो है वह लाठी की विशेषता दर्शाता है, इसलिए लंबी शब्द जो है वह विशेषण कहलाता है. एक नाव किनारे पर खड़ी है. कितनी नाव किनारे पर खड़ी है, तो उसका उत्तर मिलेगा एक. तो एक शब्द जो है वह नाव की विशेषता दर्शाता है, इसलिए एक शब्द जो है वह यहाँ पर विशेषण है. निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटकर लिखिए. हमने विशेषण का परिचय लिया, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं उसमें से विशेषण शब्द ढूंढना है और उसको यहाँ सामने लिखना है. रेशमा हिम्मती लड़की है. रेशमा कैसी लड़की है, तो उसका उत्तर मिलेगा हिम्मती. तो हिम्मती शब्द जो है वह विशेषण है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिम्मती. छोटा बच्चा फिसल गया. कैसा बच्चा फिसल गया, छोटा. तो यहाँ पर छोटा शब्द जो है वह विशेषण है, छोटा. अब हम आगे देखेंगे. कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है. कक्षा में कितनी लड़कियां बैठी है, तो उसका उत्तर मिलेगा 10. तो यहाँ पर 10 शब्द जो है
वह लड़कियां की विशेषता दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर दस शब्द जो है वह विशेषण है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। यहाँ पर दो विशेषण दर्शाए गए हैं, हर और नई। यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं, उसकी कौन सी सुबह नई सुबह होती है, तो हर सुबह, और उसकी हर सुबह कैसी होती है, तो नई। इसलिए यहाँ पर दो शब्द विशेषण है, हर और नई। कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता कैसा प्राणी है, तो उसका उत्तर मिलेगा वफादार। तो वफादार शब्द जो है वह कुत्ते की विशेषता बताता है, इसलिए वफादार शब्द यहाँ पर विशेषण है। यह कितना सुंदर चित्र है, यह कितना सुंदर चित्र है। यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वह चित्र की विशेषता दर्शाता है, इसलिए सुंदर शब्द जो है वह विशेषण है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। आसमान में कैसे बादल छाए हुए हैं, तो काले काले। उत्तर मिलता है काले काले। तो काले काले शब्द जो है वह विशेषण है। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। इस वाक्य में भी हमें दो विशेषण दिखाई दे रहे हैं। एक तो है ऊंचे और दूसरा शब्द है सुंदर। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, कैसे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, तो उसका उत्तर मिलेगा ऊंचे। और दूसरा प्रश्न बनेगा, ऊंचे पेड़ पर कैसे फल लगे हैं, तो सुंदर। इसलिए यहाँ पर दो शब्द विशेषण है, ऊंचे और सुंदर। बाग में कुछ पेड़ बड़े हैं। यहाँ पर एक ही संज्ञा के दो विशेषण दर्शाए गए हैं, कुछ और बड़े। कितने पेड़ हैं, तो कुछ पेड़ हैं। और कैसे पेड़ हैं, तो बड़े पेड़ हैं। इसलिए यह दोनों ही शब्द पेड़ के विशेषण है, कुछ और बड़े। पानी में रंग बिरंगी मछलियां हैं। प्रश्न पूछेंगे, पानी में कैसी मछलियां हैं, तो उसका उत्तर मिलेगा रंग बिरंगी। तो यहाँ पर रंग बिरंगी जो शब्द है वह विशेषण है। सफेद बकरी हरी घास खा रही है। इस वाक्य में भी दो विशेषण दर्शाए गए हैं, एक है सफेद और दूसरा हरी। सफेद शब्द जो है वह बकरी की विशेषता दर्शाता है, और हरी शब्द जो है वह घास की विशेषता दर्शाता है। सफेद और हरी दोनों ही शब्द विशेषण है। सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। कैसा घोड़ा दौड़ रहा है, तो उत्तर मिलेगा सफेद, जो अन्य घोड़ों से सफेद घोड़े को अलग करता है। इसलिए यहाँ पर सफेद शब्द जो है वह घोड़े का विशेषण है। रजत परिश्रमी लड़का है। रजत कैसा लड़का है, तो उत्तर मिलेगा परिश्रमी। तो परिश्रमी शब्द जो है वह रजत का विशेषण है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है, तो ऊंचा पर्वत है। ऊंचा शब्द जो है वह हिमालय पर्वत की विशेषता बताता है, इसलिए यहाँ पर ऊंचा शब्द जो है वह विशेषण है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। बाग में कैसे फूल खिले हैं, तो उसका उत्तर मिलेगा सुंदर। तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वह विशेषण है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने विशेषण विषय नो अभ्यास कर्यो। हवे तमारे आज बोर्ड वर्क छे एनो स्क्रीनशॉट ले लेवानो छे, अने त्यार बाद आ स्क्रीनशॉट मा थी आ जे कोई पण वर्ड वर्क करेलो छे ए तमारे तमारी नोटबुक मा
લખવાનું છે એ આજનું હોમવર્ક છે અને લખ્યા પછી આ તમારે મને મારા આ WhatsApp નંબર ઉપર મોકલવાનું છે અને જ્યારે તમે WhatsApp કરો ત્યારે નોટબુક પર તમારું નામ ધોરણ અને તમારો જે વર્ગ છે એ લખવો ફરજિયાત છે।